कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में पार्टी को मजबूती देने वाले प्रधान उदय सिंह सौरौत के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एक करारा झटका लगा है। उदय सिंह सौरौत आगामी 8 जनवरी को त्यागी स्कूल में आयोजित अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखंड व यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। होटल पुरानी जीटी रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रधान उदय सिंह सौरौत ने बताया कि उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेशाध्यक्ष विधायक उदयभान का साथ देते हुए उन्हें क्षेत्र में मजबूती दिलाई थी, लेकिन नगर परिषद चेयरमैन चुनावों के दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें बीच मझदार में छोड़ दिया। उन्होंने कहा, उनके समर्थन में अपना मत देने वाले मतदाताओं की राय पर ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल होने का मन बनाया है। उनका मकसद सिर्फ क्षेत्र में विकास कराना है। उन्होंने बताया कि आगामी 8 जनवरी को होने वाले अभिनंदन समारोह में वह केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण व प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। चेयरमैन का लड़ा और लोगों ने मेरे को इतना समर्थन दिया कि मैं दूसरे पोजीशन में उन्होंने कर दिया। इस वजह से मुझे ये है कि लोगों के काम, जिन लोगों ने मेरे को वोट दी है उनके काम नहीं रुकने चाहिए। जो विकास की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। तो आप कब शामिल होंगे बीजेपी में? बीजेपी में मैं रविवार को 8 तारीख को शामिल हो रहा हूँ। 8 जनवरी को जो आप यहाँ पे सभा कर रहे हैं उसमें कौन कौन बीजेपी के नेता आएंगे? जो जनसभा करूंगा मैं उसमें माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके साथ में हजारों जो सैकड़ों और बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, सारे साथ रहेंगे, तो उनके समक्ष में बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। तो आपके साथ कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे बीजेपी में? मेरे साथ कार्यकर्ता क्या नहीं, सोचो को जो वोटर हैं 5,000, जो 58 से वोट मिली थी, मैं तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम उस दिन 4,000-5,000 समर्थक तो मेरे रहेंगे ही रहेंगे। तो आप क्या मानते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद होटल में आप विकास कार्य करवा पाएंगे? देखो बीजेपी में शामिल लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबेन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।